हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। काफ़ी टाइम के बाद मैं एक मेकअप वीडियो शूट कर रही हूँ एंड या पता नहीं क्यों इतने दिन से मैंने शूट नहीं किया, बट आई एम शेयरिंग एवरीडे मेकअप लुक बट इन अ कलरफुल वर्जन। तो हम सभी ने न्यूड मेकअप या फिर नो मेकअप मेकअप लुक या फिर न्यूट्रल मेकअप देखा होगा फॉर एवरीडे बेसिस, बट मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस बार कलरफुल एवरीडे मेकअप ट्राई करें। एज व्हाट आई हैव क्रिएटेड, तो इसका मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी आपको कि कैसे मैंने क्रिएट किया है, क्या क्या प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं। So let's get started with the video. For this video I have two new products to share with you guys by the brand Riyo Herbs. So I have their biocellulose 3-layer sheet mask and their makeup fixer spray. So Riyo Herbs brand is created with a vision to provide premium quality based products to the Indian audience at an affordable price. So इनके products cruelty free है, vegan है, सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है and alcohol free है। तो काफ़ी safe है use करना इसे। And guess what? Who's the brand ambassador of Riyo Herbs? It's our one and only Sonakshi Sinha. So she also belongs to Patna, Bihar. And yeah, I'm very happy to try the products. So एक एक करके दोनों products के बारे में detail में मैं आपको बताती हूँ। So this sheet mask is for ultra hydration and nourishment with the goodness of glutathione and niacinamide and it also has coconut and rose। तो काफ़ी सारे goodies हैं इसमें आपकी skin के लिए। आपको आपकी skin को अच्छे से moisturize करेंगे, hydrate करेंगे and ये है for all skin types and before makeup तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपकी स्किन को अच्छे से प्रेप करेगा एंड आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं होने देगा। अगेन आप वीक में 1 या 2 बार यूज़ कर सकते हो एंड आप इसको नाइट टाइम में या फिर डे टाइम में यूज़ कर सकते हो। स्मेल काफ़ी अच्छी है, इसमें से रोज़ की स्मेल आ रही है बिकॉज इट हैज़ रोज़। ओके, सो हेयर इज़ द मास्क एंड इट हैज़ 3 लेयर्स। ओके, सबसे पहले हमें जो दोनों लेयर्स है वो रिमूव करनी है। So this is the layer number 1 and this is the layer number 2 and here is our sheet mask. So let's just quickly apply this. Okay, so it's been 15 minutes. So अब इसको remove करते हैं and देखते हैं results. Wow, can you see that glow? And काफ़ी ज़्यादा hydrating and moisturizing मुझे feel हो रहा है जैसा कि claim किया है। So जितना left over है वो मैं अपने neck पे apply कर लूँगी and hands पे। So this is their makeup fixer। तो ये आपके मेकअप को इंटैक्ट रखने वाला है लंबे टाइम तक एंड आपके मेकअप को मेल्ट डाउन नहीं करेगा एंड ऑयल फ्री बना के रखेगा बिकॉज इट्स अ मैट फिनिश मेकअप फिक्सर। एंड ऑल्सो जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं उससे भी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। सो इसका एप्लीकेशन देखने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी बिकॉज जब मैं मेकअप कम्प्लीट कर लूँगी तब मैं इसको अप्लाई करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं एंड आई ऑल्सो हैव अ कूपन कोड जो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट कर लेना। स्किन अच्छे से प्रेप हो गई है एंड अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि होगा बेस मेकअप। तो उसके लिए मैं सिर्फ यूज़ करूँगी कंसीलर एंड आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो बेस प्रोडक्ट्स लाइक करेक्टर यूज़ कर सकते हो अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं, फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो या फिर सिर्फ कंसीलर यूज़ कर सकते हो। तो वो आपकी स्किन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अपना डेली बेस मेकअप रेडी कर सकते हो। बट मुझे ऐसे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, थोड़े बहुत से एक्ने स्पॉट्स हैं, एक्ने मार्क्स हैं, तो उसके लिए मैं सिर्फ कंसीलर यूज़ करूँगी। या फॉर अ डेली बेसिस मैं बेस मेकअप मिनिमल रखना चाहती हूँ तो इसीलिए आई विल जस्ट यूज़ दिस कंसीलर अंडर माई आईज, ऑन माई फोरहेड, bridge of the nose, upper lips पे and थोड़ा थोड़ा जहाँ पे dark spots हैं वहाँ पे and just इसको blend कर लूँगी and अगर required होगा तो थोड़ा सा और quantity लूँगी using a wet beauty blender। नॉट फॉरगेट योर नेक एरिया, जो भी आप अप्लाई कर रहे हो अपने फेस पे उसको नेक पे भी अप्लाई करना है। तो स्किन इवन आउट हो गई है एंड आपको थोड़ा सा शेड लाइट लग सकता है बिकॉज मैंने हाईलाइटिंग कंसीलर यूज़ किया है, लेकिन वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस मेकअप लुक, तो वो मेरी स्किन में मैच हो जाएगा। बट स्किन काफ़ी ग्लोई लग रही है बिकॉज ऑफ द शीट मास्क एंड बिल्कुल भी ड्राइंग फील नहीं हो रहा है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, जो कि होगा पाउडर या कॉम्पैक्ट। तो आप किसी भी स्किन टाइप की हो, चाहे ड्राई स्किन हो या फिर कॉम्बिनेशन ऑयली, थोड़ा सा सेट करना आपको चाहिए अपने बेस को। जो ड्राई स्किन वाले हैं वो अपने टी जोन एरिया पे या फिर जहाँ भी उनको ऑयल आता है वहाँ पे कर सकते हैं। एंड फॉर ऑयली स्किन पीपल पूरा फेस अच्छे से पाउडर कर लो, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं बट फिर भी थोड़ा थोड़ा ओवरऑल फेस पे, क्योंकि हमें पूरे फेस पे ही ऑयल आता है, मुझे तो आ जाता है एटलीस्ट, एंड सबसे ज़्यादा अंडर आई एरिया पे। सो बेस मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन, बस आई एम एडिंग सम ब्लश टू माई चीक्स बिकॉज वी आर डूइंग कलरफुल एवरी डे मेकअप, तो कलर ऐड करना तो बनता है। सो आप चाहो तो आप काउंटो भी कर सकते हो, लेकिन एवरी डे बेसिस पे मैं सिर्फ ब्लश यूज़ करना पसंद करती हूँ। एंड काफ़ी ट्रेंड में भी है आजकल फुल यू नो सन किस्ड या फिर ब्लशी पिंकी लुक, तो इसीलिए अच्छा भी लगता है। सो आई विल जस्ट ऐड सम ब्लश। To my nose as well and थोड़ा सा chin area पे। ओके तो इस वाले पे थोड़ा ज़्यादा लग गया है, तो थोड़ा ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो ब्लेंडर से ब्लेंड करोगे तो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा सब कुछ। एंड आप देख पा रहे होगे कि मेरा कंसीलर ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो गया है। अब मूव करते हैं आई मेकअप की तरफ, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी एक शिमरी शेड। सो अगर मैं मैट शेड यूज़ करूँगी ना तो वो थोड़ा ज़्यादा पॉप आउट होगा एंड वो एक यू नो एवरीडे सॉर्ट ऑफ मेकअप नहीं लगेगा। तो आप ऐसा आई शेडो चूज़ करो जिसमें शिमर्स हो बट काफ़ी सटल शिमर्स हो उसमें। सो मैं या तो ये ब्राउन शेड यूज़ कर सकती हूँ या फिर ये बर्न्ड ऑरेंज ब्राउन काइंड ऑफ शेड, तो मैं यही वाला यूज़ करूँगी बिकॉज हमें कलरफुल मेकअप चाहिए। तो इसको मैं फिंगर से ही अप्लाई करूँगी। दिस शेड प्रिटी बर्न्ड ऑरेंज काइंड ऑफ शेड। एंड शिमर शेड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है ना, आपका आई मेकअप काफ़ी सुंदर लगता है। सो इसको मैं यहाँ तक ब्लेंड करूँगी ऊपर तक एंड या इट्स डन। ओके सो नेक्स्ट अब हम आईलाइनर लगाएंगे। तो अगेन ये आपकी चॉइस है, अगर आप एवरीडे पे आईलाइनर लगाना चाहते हो या फिर नहीं, आप सिर्फ मस्करा भी लगा सकते हो तो भी बहुत अच्छा लगेगा इस लुक के साथ, बट मैं आईलाइनर लगाने वाली हूँ। एक छोटा सा विंग ड्रॉ किया है एंड अपनी आईलैश लाइन जो होती है उसी के पास लगाया, काफ़ी क्लोज लगाया है। तो दूसरे आईज पे भी लगा लिया है आईलाइनर एंड अब लास्टली अप्लाई कर रही हूँ मस्करा, ताकि थोड़ा सा लिफ्ट मिल जाए लैशेस को। सो आई मेकअप इज़ कंप्लीट एंड अब हम आईब्रोज फिल कर लेंगे। सो आप यहाँ पे आईब्रो पाउडर, पेंसिल, जेल कुछ भी यूज़ कर सकते हो जो भी अवेलेबल है आपके पास। मैं यहाँ पे पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ओके सो आईब्रोज भी फिल हो गई है एंड ऑलमोस्ट मेकअप कंप्लीट है, बस हमें लिपस्टिक ऐड करनी है। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये पिंक शेड। तो वैसे हम एवरीडे मेकअप लुक में या फिर नो मेकअप लुक में ब्राउन या फिर न्यूड लिपस्टिक्स लगाते हैं, बट सिंस वी आर डूइंग अ कलरफुल एवरीडे मेकअप तो हम ऐसी लिपस्टिक लगाएंगे जो हमारी स्किन को यू नो ब्राइटन अप कर देती है। एंड सभी स्किन टोन्स पे अलग अलग शेड्स होते हैं, जैसे मेरी स्किन टोन पे पिंक कलर मुझे थोड़ा ब्राइट इफेक्ट देता है। बहुत लोगों की स्किन पे पीच कलर जो होता है वो उनकी स्किन पे इंस्टेंट ब्राइटनेस दे देता है विथ मेकअप एंड विदाउट मेकअप ऑल्सो। एंड बहुत लोगों पे रेड शेड भी सूट करता है, स्पेशली द डस्की स्किन टोन्स। तो अगर आप डस्की स्किन टोन के हो तो गो अहेड एंड अप्लाई अ ब्राइट रेड लिपस्टिक और अ सटल रेड लिपस्टिक, वॉट एवर सूट्स योर स्किन टोन। रेड लिपस्टिक काफ़ी वर्सेटाइल होती है, अगेन वो आपकी स्किन टोन को ब्राइटन अप करती है विथ मेकअप और विदाउट मेकअप। सो आई विल अप्लाई दिस शेड नाउ। लिपस्टिक भी अप्लाई कर ली है, कमेंट्स में बताना कैसा लग रहा है ये शेड। एंड सब कुछ डन हो चुका है, बस अब हम यूज़ करेंगे रियो हर्ब्स का मेकअप फिक्सर फॉर मैट फिनिश। इसको आपको पैड ड्राई या फिर कुछ भी इसको टच नहीं करना, आपको इसको एज इट इज़ छोड़ देना है, ये खुद ही ड्राई हो जाएगा। सो जब भी ड्राई होगा मैं आप सबसे मिलती हूँ, बट अभी तो काफ़ी ज़्यादा ग्लास स्किन वाला इफ़ेक्ट आ रहा है मुझे। सो मेकअप फिक्सर ड्राई हो गया है एंड बिल्कुल सेट हो गया है मेरी स्किन में, एंड मेरे बेस मेकअप को भी काफ़ी अच्छे से सेट किया है। इट्स मैट बट नॉट ड्राइंग, एज आई स्टिल फील हाइड्रेटेड एंड अच्छे से मेरा मेकअप सेट हो गया, फिक्स हो गया है एंड आई फील रियली गुड। That was it for today's video. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो या फिर हेल्पफुल लगा हो। अगर लगा तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना एंड इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑल्सो बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। I'll see you guys in my next video. Until then, stay connected, stay happy, bye, take care.